हाँ जी, तो बात चल रही थी डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रेड आई के ऊपर। तो हमने सबसे पहले एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा देखा था। उसके अंदर ये होता है कि सडन ऑनसेट ऑफ रेड आई यूनिलेटरल होती है, उसके साथ हमें डायलेटेड ओवियाइड प्यूपल मिलती है, तो वो हमेशा क्या होगा, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा, डायलेटेड ओवियाइड प्यूपल, ठीक है। और फिर हमने दूसरा जो डिफरेंशियल पढ़ा था वो था एक्यूट यूवियाइटिस। उसके अंदर ये होता है कि हमें यूनिलेटर रेड आई के साथ कंस्ट्रिक्टेड प्यूपल मिलती है, ये हो गया सेकंड डिफरेंशियल। थर्ड डिफरेंशियल जो था वो कंजक्टिवाइटिस है, उसके अंदर हमें मिलता है सडन ऑनसेट ऑफ रेड आई बाइलेटरली विद नो लॉस ऑफ विजन, ये थर्ड डिफरेंशियल हो गया। उसके बाद फिर हम आए थे केराटाइटिस की तरफ। केराटाइटिस में ये होता है कि यूनिलेटरल रेड आई विद लॉस ऑफ विजन प्लस उसमें हमें क्या नजर आएगा, व्हाइट स्पॉट नजर आएगा कॉर्निया के ऊपर। इसके अंदर एक अहम चीज हमने याद रखनी है, वो क्या है कि जब भी केराटाइटिस जो है नॉन पिरुलेंट केराटाइटिस हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस की वजह से हो, तो हमने क्या यूज नहीं करना, स्टीरॉयड यूज नहीं करना। दैट्स इट। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है एपिसक्लेराइटिस एंड सेक्लेराइटिस। तो पहले इन दोनों को देखने से पहले हम कुछ डिटेल्स पढ़ लेते हैं सेक्लेरा के बारे में। सेक्लेरा जो होता है वो होता है रेड व्हाइटिश फाइब्रोस टिश्यू है, पोस्टीरियर 5/6 ऑफ आईबॉल। तो जो एंटीरियर 1/6 बचता है वो कॉर्निया होता है, पोस्टीरियर 5/6 जो होता है वो सेक्लेरा कहलाता है। जब बेबी बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न, उसके अंदर ये ब्लूइश रेड होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये फिर नॉर्मल हो जाता है। जहाँ पे हमने न्यू बॉर्न की बात की है तो वहीं पे हम एक चीज़ हमें याद रखनी है कि हमें एक कॉन्जेनिटल जो है कंडीशन मिलती है, डिफेक्ट मिलता है, वो क्या होता है कि अगर जो सेक्लेरा है वो कंप्लीट ब्लू हो और एट द टाइम ऑफ बर्थ कंप्लीट ब्लू हो और फिर पूरी जिंदगी जो है ना वो ब्लू रहे, तो वो एक कनेक्टिव टिश्यू डिफेक्ट होता है, तो हम उसे कहते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इसके अंदर जो टोटल सेक्लेरा है वो ब्लू ही रहता है, ठीक है। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन भी है, तो उसके अंदर क्वेश्चन इस तरह आएगा कि ब्लू सेक्लेरा इज द फीचर ऑफ व्हाट, यस, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ये तो हो गई न्यू बॉर्न की बात। उसके बाद हम आते हैं ओल्ड एज की तरफ। ओल्ड एज में ये होता है कि ये हमारे पास येलो व्हाइटिश होता जाता है और इट विल बिकम येलो व्हाइट। गुजरती एज के साथ ये होता है कि जो फैट होते हैं ना वो इसके अंदर जाके जमा होना शुरू हो जाते हैं, डिपॉजिट होते हैं, तो फैट की वजह से हमारे पास जो सेक्लेरा है वो येलो वाइट नजर आता है, ठीक हो गया। बहरहाल इसका फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन ये है कि ये तमाम स्ट्रक्चर ऑफ आई जो है ना उसे एक जगह पे रखता है, इट कीप्स ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ आई इन प्लेस। तो ये कुछ बातें हो गई सेक्लेरा के बारे में कि ये व्हाइटिश रेडिश वाइट फाइब्रोस टिश्यू होता है, ठीक है, पोस्टीरियर 5/6 ऑफ आईबॉल होता है, एंटीरियर 1/6 जो होता है वो कॉर्निया होता है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। न्यू बॉर्न के अंदर ये ब्लूइश रेड होता है और आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाता है। अगर ये टोटल ब्लू ही रहे और पूरी जिंदगी ब्लू रहे तो उसे हम ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं। ओल्ड एज के अंदर ये येलोइश वाइट हो जाता है, वो क्यों होता है, फैट्स की वजह से होता है। फिर हमने इसके फंक्शंस की बात की, फंक्शन इसका ये है कि ये तमाम आई स्ट्रक्चर को अपनी जगह पे रखता है। अब हम बात करते हैं एपिसक्लेराइटिस और सेक्लेराइटिस की। एपिसक्लेराइटिस जो है इट इज द एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ सुपरफिशियल सेक्लेरल टिश्यू। ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन है सुपरफिशियल सेक्लेरल टिश्यू की, ठीक हो गया। अब हम इसकी देख लेते हैं एसोसिएशन किसके साथ होती है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आ जाता है कि एपिसक्लेराइटिस की एसोसिएशन कौन सी ऑटोइम्यून के साथ होती है। तो हमने हमेशा याद रखना है कि एपिसक्लेराइटिस की एसोसिएशन ऑटोइम्यून डिजीज के साथ मिलेगी और वो कौन सी होगी, वो SLE होगी, ठीक हो गया। और ये हमें बहुत रेयरली जो है ना वो हमें मिलेगी किसके अंदर, एलर्जिक इन्फेक्शन के अंदर मिलेगी, ठीक हो गया। फिर हम आ जाते हैं सेक्लेराइटिस की तरफ। सेक्लेराइटिस के अंदर हमें मिलता है कि इसके अंदर क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है डीपर सेक्लेरल टिश्यू की, ठीक है। तो उसके अंदर हमें ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सेक्लेराइटिस के साथ कौन सी एसोसिएशन होती है। तो उसके अंदर हमें दो एसोसिएशन मिलती हैं, रूमेटाइड आर्थराइटिस और जो है वो दूसरी जो है वो है पोली आर्थराइटिस नोडोसा, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमें बहुत रेयर मिलती है वो कौन सी होती है, वो मिलती है
वायरल। वायरल जो होती है वो हमें रेयरली मिलती है, ज्यादातर हमें मिलता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और पोली आर्थराइटिस नोडोसा। ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। वो जो चार डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम कवर किए हैं उनमें से तो ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज कम्पेयर टू दीज टू डिफरेंशियल्स। इनमें से भी कभी कभार MCQs आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने ये याद रखना है कि 7 में से 6 डिफरेंशियल तो यूनिलेटरल रेड आई के होते हैं, एक जो होता है वो बाइलेटरल होता है, और वो क्या होता है, एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। एक्यूट कंजक्टिवाइटिस जो है वो बाइलेटरल होता है, बाकी सारे जो होते हैं वो यूनिलेटरल रेड आई होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स में। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर पहले देख लेते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर एपिसेक्युलराइटिस के अंदर कौन सा होगा, वो क्या होगा, SLE। और जो एपिसेक्युलराइटिस के अंदर रिस्क फैक्टर आएगा वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा। ऑलमोस्ट इनके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो सेम ही हैं, ठीक है। सडन ऑनसेट, यूनिलेटरल पेनफुल रेड आई, फोटोफोबिया, लैक्रिमेशन, आई एक, हेडेक, और यही सारे के सारे हमें नजर आएंगे सेक्युलराइटिस के अंदर। एक चीज हमने जहन नशीन कर लेनी है, वो क्या है कि मेन की टू डायग्नोज विद ऑलमोस्ट एवरी आई कंडीशन इज ऑलवेज एग्जामिनेशन, ठीक है। कि भाई एग्जामिनेशन से ही ऑलमोस्ट सारी जो कंडीशंस हैं आई की उन्हें डायग्नोज किया जा सकता है। तो इसमें हाउ डू वी डिफरेंशिएट, कि हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे एपिसेक्युलराइटिस में और सेक्युलराइटिस के केस में। चलें देख लेते हैं ऑन एग्जामिनेशन सेक्युलराइटिस में हमें क्या नजर आएगा। जब हम सामने से देख रहे होंगे सेक्युलराइटिस के पेशेंट को तो पेरिफ्री ऑफ आई के अंदर ना हमें रेडनेस नजर आएगी, लेकिन जो सेंटर ऑफ आई होगा ना वो ऑलमोस्ट जो है वो नॉर्मल होगा, ठीक है। और ऑल अराउंड द पेरिफ्री जो है आपको इन्फ्लेमेशन नजर आएगी, ठीक है, अंडर द आईलिड्स। ये तो हो गया सेक्युलराइटिस का, ठीक है, कि इसके अंदर हमें डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन इन पेरिफ्री ऑफ आई नजर आएगी, ओके, हो गया। और एपिसेक्युलराइटिस के अंदर क्या होगा, एपिसेक्युलराइटिस के अंदर ये होगा एक इन्फ्लेमेटरी नोड्यूल नजर आएगा, एक इन्फ्लेमेटरी नोड्यूल होगा वो नजर आएगा पेरिफ्री के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर हम लिखेंगे लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेटरी नोड्यूल्स इन द पेरिफ्री ऑफ आई। तो ये डायग्राम में देख लेते हैं, जो इन्फ्लेमेटरी लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेटरी नोड्यूल है वो हमें पेरिफ्री ऑफ आई में नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ देख लेते हैं डायग्राम में कि ये जो हमें रेडनेस नजर आ रही है वो पेरिफ्री के अंदर है, सेंटर बिल्कुल ठीक है, सेंटर के अराउंड पेरिफ्री में अंडर द आईलिड हमें इन्फ्लेमेशन नजर आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल जब भी हमने नोड्यूल्स देखने हैं उसे हम हिलाते हैं तो हमें ये इजीली नजर आएगा कि जो ब्लड वेसल है वो मूव कर रही है, मोबाइल है। तो हम एपिसेक्युलराइटिस के अंदर लिख देंगे ब्लड वेसल मोबाइल है। और जब हम दूसरी तरफ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो हैं वहाँ पे वो डीप टिश्यूज के अंदर होती हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन जो है वो डीपर टिश्यूज के अंदर है, तो दे विल नॉट मूव, दे विल बी इमोबाइल। तो हम इस साइड पे सेक्युलराइटिस के अंदर ब्लड वेसल्स को इमोबाइल लिख देंगे। फिर बात आती है सेक्लेरा की तरफ। एपिसेक्युलराइटिस के अंदर देख लेते हैं कि सेक्लेरा क्या होता है, ठीक है, जहां पर हमें नोड्यूल नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, उसके नीचे जो सेक्लेरा होगा ना वो हमेशा क्या करेगा, ब्लू अपीयर करेगा, ठीक हो गया। और दूसरी तरफ जो है सेक्लेरा जो होगा वो सेक्युलराइटिस में रेड होगा, कंजेस्टेड होगा, ऑडिमेटस होगा। इनके मेन मेन डिफरेंस देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से होंगे। पहले पहले तो देखते हैं सेक्युलराइटिस जो है वो सुपरफिशियल सेक्लेरल टिश्यू की इन्फ्लेमेशन है और जो सेक्लेराइटिस है वो डीपर टिश्यू की, ठीक है। और इसके अंदर जो एपिसेक्लेराइटिस के अंदर हमें एसोसिएशन नजर आएगी वो SLE की है, और जो हमें एसोसिएशन नजर आएगी सेक्लेराइटिस के अंदर वो हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस नजर आएगा, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स दोनों के तकरीबन सेम होंगे। उसके बाद हम आते हैं एग्जामिनेशन के ऊपर। एग्जामिनेशन के अंदर जो हमें एपिसेक्लेराइटिस के अंदर जो मेन चीज हमें पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेटरी नोड्यूल्स होंगे, वो हमें पेरिफेरी ऑफ आई में नजर आएंगे।
और सेक्युलराइटिस के अंदर क्या होगा कि पेरिफेरी ऑफ आई के अंदर हमें डिफ्यूज्ड इन्फ्लेमेशन नजर आएगी। ये हो गया। और जो मेन डिफरेंस है वो ये ब्लड वेसल का है। एपिसेक्युलराइटिस के अंदर ब्लड वेसल मोबाइल होगी और सेक्युलराइटिस के अंदर इमोबाइल होगी। ठीक हो गया। और फिर हम देखते हैं एपिसेक्युलराइटिस के अंदर जो सेक्लेरा होगा वो अपीयर करेगा ब्लू। नोड्यूल के अंदर नोड्यूल की बैक साइड पे जो सेक्लेरा होगा वो ब्लू नजर आएगा। और जो सेक्लेराइटिस के अंदर होगा वो हमें हमेशा रेड, कंजेस्टेड और ऑडीमेटस नजर आएगा। ये हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं एपिसेक्लेराइटिस की तरफ। एपिसेक्लेराइटिस जो है ये बेनाइन होता है, ये इतना एग्रेसिव नहीं होता। ठीक हो गया। और जो सेक्लेराइटिस होता है ये जो कंडीशन है ये इट्स वेरी डेंजरस कंडीशन। ठीक है। ये याद रखना है कि सेक्लेरा ने कंप्लीट आई को कवर किया हुआ है, उसके कॉन्टेंट्स को अपने अंदर समोया हुआ है, पूरे स्ट्रक्चर को कवर किया हुआ है। जब सेक्लेरा की इन्फ्लेमेशन होती है उस इन्फ्लेमेशन की वजह से रैप्चर होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं सेक्लेरा के। अगर खुदा ना खास्ता सेक्लेरा रैप्चर हो जाता है तो उससे क्या होगा कि दैट विल लीड टू परफोरेशन ऑफ आई, और जो सारे स्ट्रक्चर आई के अपनी जगह पे होंगे वो मिसप्लेस हो सकते हैं। ठीक है। और इस कंडीशन को हम कहते हैं सेक्लेरोमेलेशिया परफोरेंस। ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होगा? द रिजल्ट विल बी कंप्लीट ब्लाइंडनेस ऑफ आई। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस तो इसका होगा ही क्लिनिकल। ठीक है। पर हम कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर सकते हैं जो अंडरलाइन काज होंगे, जैसे SLE की हम कुछ इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, या हम क्या करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर लेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आई की जितनी भी कंडीशंस हैं उनमें कहाँ पे स्टीरॉइड्स देने हैं और कहाँ पे नहीं देने। 7 में से 6 डिफरेंशियल जो है उनके अंदर तो दे ही सकते हैं। ठीक है। और एक्यूट इवन के एक्यूट केराटाइटिस जो हमें हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के अलावा मिलेगी उसके अंदर भी हम स्टीरॉइड्स दे सकते हैं। और सिर्फ हम स्टीरॉइड्स कहाँ नहीं दे सकते, जो हमें वायरल एक्यूट केराटाइटिस मिलेगा किसकी वजह से, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस की वजह से, या उसे हम डेंड्राइटिक अल्सर भी कहते हैं। ठीक है। उसके अंदर हमने कतन जो है वो स्टीरॉइड्स नहीं देने। तो हम इन दोनों कंडीशन के अंदर, जैसा कि हमें पता है कि ये दोनों कंडीशन इनका एसोसिएशन जो है वो ऑटोइम्यून डिजीज के साथ है, तो इनके अंदर हम स्टीरॉइड्स देंगे ही देंगे। तो इन दोनों के अंदर जो ट्रीटमेंट हम लिखेंगे वो स्टीरॉइड्स लिखेंगे। दैट्स इट फॉर एपिसेक्लेराइटिस एंड सेक्लेराइटिस। नेक्स्ट लास्ट डिफरेंशियल ही बचा है रेड आई का, दैट इज सब कंजक्टाइवल हेमरेज। उसकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे इंशाल्लाह। दैट्स इट।